हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते थे। एक्चुअली में फ्रेंड्स, काफ़ी सारी महिलाओं को ऐसा अनुभव होता है, फील होता है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, क्योंकि आप हर महीने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, रिलेशन बना रही हैं और आप भी जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, उसके पहले बहुत सारे आपको ऐसे लक्षण महसूस होने लगते हैं जो कि दरअसल गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को महसूस होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये लक्षण महसूस होने के बाद पीरियड्स आ जाता है तो उस समय आपको ये समझ नहीं आता कि मुझे प्रेगनेंसी थी या नहीं थी। आज मैं इसी बात को, इसी समस्या को सुलझाऊंगी और आपके सारे जो प्रश्न हैं उसके जवाब आपको मिल जाएंगे कि अगर मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होते हैं तो फिर पीरियड्स क्यों आ जाते हैं और क्यों कंसीव आपको नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो प्लीज इसको पूरा देखिएगा ताकि फ्रेंड्स आप जो टेंशन में आ जाते हैं ना पीरियड स्टार्ट होते से ही, ऐसा ना हो और प्रेगनेंसी भी फटाफट से आपकी रुक जाए। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि जो महिलाओं का शरीर होता है ये हर वक्त हर फेज में एक कुछ ना कुछ सटीक संकेत देता ही है, जैसे कि पीरियड्स आने के पहले, जैसे कि गर्भधारण करने के बाद। कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा कि महिला उल्टी कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है, अरे वाह गुड न्यूज़ आ गया, बच्चा होने वाला है। ऐसे कुछ लक्षण जो होते हैं ना वो झूठे भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं PMS की साइन। और PMS का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि हमें पीरियड आने के पहले होता है। ये जो सिम्टम्स है ना, ये बेसिकली पीरियड और प्रेगनेंसी के बीच का लक्षण होता है जो कि हमें काफ़ी कन्फ्यूज्ड देता है। पर इसी कंफ्यूजन को मैं आज आपके कुछ खास सिम्टम्स के द्वारा बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगी। एक्चुअली मेरे फ्रेंड, सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि जब प्रेग्नेंट होती है महिला, जब एक भ्रूण, एक जाइगोट आपके यूट्रस में जा करके चिपकता है, तब उस समय बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे बदलाव महिला के शरीर में इमिडिएटली देखे जाते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण और पहले बदलाव जो आता है वो आता है आपको क्रैम्प होना पेट में। अब देखिए, पीरियड्स के पहले भी पेट दर्द करता है, अमूमन सारी ही महिलाओं को करते हैं पेट में दर्द। 1-8% ऐसी महिला होगी जो पेट दर्द को फेस नहीं करती है, जो कि काफ़ी कॉमन नहीं होता, वो 1-2% ही अनोखी फीमेल्स होती। लेकिन दोस्तों, 95% ऑफ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको पेट दर्द का सामना करना ही पड़ता है। अब देखिए, पेट दर्द प्रेग्नेंट महिला को भी होता है और पेट दर्द पीरियड आने से पहले और पीरियड आने तक भी होता है। लेकिन इसमें बस छोटी सी एक अंतर मात्र, जो एक छोटा सा पॉइंट है, वही आपको समझना है कि जो क्रैम्पिंग होती है, क्रैम्प्स का मतलब होता है पेट में चुभने जैसा एहसास होना, ऐठन जैसा एहसास होना। कई लोगों को क्रैम्पिंग मतलब इंग्लिश में ये शब्द समझ में नहीं आता है, तो देखिए हिंदी में मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको चुभने जैसा, जैसे पेट में गैस हो जाता है उस तरह का चुभने के जैसा एहसास हो, आपको ममोर जैसा लगे, आपको हर ऐठन जैसा फील हो कुछ मिनटों या सेकंड्स के बाद, और ये ऐठन और ये चुभन जो होता है ये आपको लगभग 1 दिन तक परेशान करे या 3 से 4 घंटों तक परेशान करे, तब आप समझ जाइए कि ये आपके प्रेगनेंसी का आरोपण का संकेत है। ये बेसिकली आपको पीरियड्स आने के 7 दिन पहले से महसूस हो सकता है, ये भी दूसरी खास बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पीरियड्स आने वाला है तो जो दर्द स्टार्ट होता है वो पहले थाइज में होगा, फिर कमर में होगा, यानी बैक में पहले स्टार्ट होता है, फिर पेट में आ जाता है और वो तब तक करता है जब तक कि महिला का पीरियड्स चालू ना हो जाए। इवेंचुअली कई बार तो पीरियड्स चालू होने के 12 घंटे तक भी बहुत दर्द होते ही रहते हैं। तो ये जो अंतर है पेट दर्द का, वो समझ जाइए और आप अपने आप से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। अब जो दूसरा खास लक्षण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बेसिकली पीरियड्स में महिलाओं को
बिल्कुल नींद नहीं आती है, रात को बहुत अनइजीनेस होता है, किधर से लीक हो जाए पता ही नहीं चल रहा है, पैड्स सही से लिया है या नहीं लिया है, इन चिंताओं में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, सो नहीं पाती हैं। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा भी होता है ना, जनरली होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तब तो मुझे पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन एक्चुअली में जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको नींद बहुत आता है, और इसका साइंटिफिक कारण ये है फ्रेंड्स कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपकी बॉडी काफ़ी स्पीडी वेस पे काम करती है, बहुत जल्दी जल्दी उसको काम करना है दो शरीर को ठीक तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए, और प्लस जो बच्चा भ्रूण नया बन रहा है उसको ऑक्सीजन ज़्यादा देना होता है, ब्लड का सप्लाई ज़्यादा पहुँचाना होता है, तभी तो उसके अंग और ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। तो इस चक्कर में बॉडी इतनी ज़्यादा काम करती है 24 घंटे कि वो बार बार थकी सी रहती है, और प्रेग्नेंट महिला को नींद बहुत आता है। आप किसी भी प्रेग्नेंट महिला को देखिएगा, उनका जो शरीर है वो थका थका सा रहता है और काफ़ी ज़्यादा सुस्ती सी रहती है। तो ये नींद से जुड़ी हुई समस्या भी प्रेग्नेंट कंसीव होने के बाद होती है। अब चलिए बात करते हैं नंबर थर्ड, जो सिम्टम्स आपको फील होने वाला है वो होता है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फूड क्रेविंग होना। जो प्रेग्नेंट महिला है, आपको भी पता है पहले के मूवीज़ में दिखाते थे प्रेग्नेंट होते ही इमली खाने लगती थी, अचार खाने लगती थी महिलाएं, चटपटा सा स्वाद चाहिए होता था, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेगनेंसी हार्मोन्स डेवलप करते हैं तो वो मुंह का स्वाद बिगाड़ देते हैं, कोई भी स्वाद आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको चटपटा तीखा खट्टा मसालेदार ही खाना अच्छा लगता है, इसीलिए बहुत सारी महिलाएं खटाई खाने लगती हैं। लेकिन अगर इसी के अपोजिट अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं ना, तो आपको खाने को लेकर अरुचि नहीं होती है, आप अच्छे से खाना खा पाती हैं, कई महिलाएं ज़्यादा ही खाना खाने लगती हैं और कई महिलाएं जो है पूरा ही खाना छोड़ देती हैं टेंशन में। तो ये दो जो अंतर है ना उसको समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि पीरियड्स आएगा या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब इसके अलावा नंबर फोर, बहुत कॉमन और मिजरेबल सिम्टम्स होता है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग का। इम्प्लांट होने के बाद बॉडी के अंदर यूट्रस से कुछ ऐसा पिंकिश कलर का आपको स्पॉटिंग दिखाई देगा, जस्ट लाइक पीरियड स्टार्ट होने के पहले जो एक दो बूंद आता है उसी के तरह, इससे ज़्यादा नहीं होगा, एक दाग धब्बे जैसा आपके पैंट पे लग सकता है। ये बेसिकली पीरियड्स के 10 दिन पहले या 7 दिन पहले दिखाई देगा, लेकिन अगर पीरियड्स आने वाले हैं तो आपको स्पॉटिंग जो है वो डार्क कलर की आती है, ब्राउनिश कलर की आती है, और ये स्पॉट्स जब तक आपके पीरियड्स ना आ जाए तब तक कंटिन्यू आता रहता है, फिर वो रेड कलर का, और पीरियड्स आने फ्लो के साथ चालू हो जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग को समझ लेंगी तो आप समझ जाएंगे कि आपके पीरियड्स से पहले इम्प्लांटेशन हो रहा है या फिर आपको पीरियड्स आने वाले हैं। बेसिकली पीरियड्स आने के 24 घंटे से 48 घंटे पहले आपको स्पॉटिंग होती है, और इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग आपको 10-7 डेज पहले होती है पीरियड्स के। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि प्रेग्नेंट महिला को मॉर्निंग सिकनेस बहुत होता है, दिन में कई बार वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है, दिन में कई बार आपका सर दर्द होता है, दिन में कई बार आपको कमजोरी महसूस होती है, लेकिन पीरियड्स आने के पहले इनमें से कोई भी लक्षण महसूस नहीं होता है, ना ही मॉर्निंग सिकनेस होती है, ना ही वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी होती है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। और सबसे लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि पीरियड मिस होने तक का वेट करिए, कई बार सिम्टम्स को ज़्यादा महसूस करने की वजह से भी टेंशन होने लग जाता है, और वो भी प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त सही नहीं है। सिम्टम्स को अगर फील कर पा रही है इजिली तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा फोकस्ड रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सही समय पे अपने आप बॉडी आपको सही रिजल्ट दे देगी। आपके जैसे ही पीरियड्स मिस होंगे आप समझ जाएंगी कि आप गर्भधारण कर चुकी हैं जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आप समझ चुकी हैं कि पीरियड्स को और फिर प्रेगनेंसी को कैसे समझना है, कैसे इन दोनों के छोटे से अंतर को समझ कर आप अपनी क्यूरियोसिटी को कम कर सकती हैं। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी जल्दी एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, और फ्रेंड्स आप अपना रखिए पूरा ध्यान। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।